हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोनू मांडल में। और दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि देश भर में जो साक्षी मर्डर को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, न्यूज़ चैनलों पर हर जगह एक ट्रेंड सा बन गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस मर्डर का जो सबसे बड़ा रीज़न है, आप देख सकते हो यहाँ पे किस बहरहमी से ये बंदा इस लड़के को, जो मात्र 16 साल की उम्र है, क्या इनका झगड़ा हुआ था, क्या नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता। बट इस तरीके से किसी को मारना कानून के खिलाफ जाना दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो देखने वाले इन लोगों में से किसी ने इस लड़की को नहीं बचाया। अगर किसी ने भी हिम्मत कर ली होती तो ये आज 16 साल की जो बच्ची है वो हमारे बीच में होती। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं पे भी अगर ऐसी घटना आपको होती हुई या दिखे, तो आप ऐसी गलती कभी ना करें कि उसको बचाना है या नहीं, बिल्कुल भी मत सोचें, क्योंकि उसको बचाना ज़रूरी है। कैसी भी घटना आपके सामने होती हो, चाहे किसी का अगर झगड़े को नहीं, लेकिन ऐसी घटना अगर आप देख के वहाँ से निकल जाते हो, तो सबसे बड़े कातिल, गुनहगार और आप हो। ये सबसे हैवानियत कर देने वाला जो वीडियो मैंने आपको दिखाया दोस्तों, ये साक्षी जिस जो बच्ची है 16 साल की मात्र, उसका मर्डर कर दिया गया है। और ये जो बंदा था, जो किसने किया था, साहिल नाम का लड़का था, उसने मर्डर किया है। पूरे न्यूज़ चैनलों पर सारी जगह आपको मिल जाएगा। 28 मई 8:42 पर लड़की सेफ थी, उसके बाद में उसको मार दिया जाता है। और जो पास से गुजरते हुए लोग देख के चले जाते हैं दर्शक की तरह। हमारे हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी कमी है दोस्तों, क्योंकि कोई किसी को मार रहा है तो उसको बचाना तो बहुत दूर है, लेकिन उसको देख के चला जाता है या फिर वीडियो बना के या फिर जो भी है वो करते हैं अपना। लेकिन कम से कम आप मानोगे नहीं, यहाँ पे मैं आप देख सकते हो इस वीडियो में कितने लोग, कम से कम 8-10 लोग यहाँ से गुजरे होंगे, 8-10 क्या 20 लोग तो आराम से गुजरे होंगे। ये देखो, ये देख के किसी ने हिम्मत नहीं की, एक बंदे ने कोशिश की। यहाँ पे मैं उस लड़के का आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, कोशिश की है, बट और किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सारे मिलकर अगर बचाते हैं तो शायद वो लड़की बच जाती है। तो न्यूज़ चैनलों पर सारी जगह आप देखो, टोटल यहाँ पे देखो सारी जगह आपको मिल जाएगी। ये ट्रेंडिंग में हो गया, अभी 4 दिन हुआ है इस चीज़ को, 4 दिन में भी 1-2 ट्रेंडिंग हो गया, क्योंकि न्यूज़ वीडियो डालने वाले बहुत हैं लोग। ये देखो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब भी आप ऐसी चीज़ें देखो कहीं पर भी, आप जब भी कहीं पे भी जाओ, अगर ऐसा होता आपको दिखे तो उस चीज़ को देख के कभी नहीं निकलना। जैसी आपकी कोशिश हो बचाने की, वैसे उसे ज़रूर बचाएं, तो वो इंसानियत होगी। अगर आप देख के गुजर जाते हो तो वो सबसे बड़ी आपकी बुजदिली होगी, क्योंकि उस चीज़ को आप कभी ज़िंदगी के अंदर भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके सामने वो चीज़ हुई है और आप उसको बचा नहीं सकें। तो ये आपकी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप दूसरी बेटियों को बचाओगे, जो ये घटना होती है, जिन भी लोगों ने देखी है, सबसे बड़े कातिल तो हुआ है दोस्तों, जो लोग देख के गुजर गए दर्शकों की तरह और वीडियो बनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि उसको बिल्कुल भी उनको नहीं लगा कि यार हमें बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए। तो साहिल तो कातिल है ही है, लेकिन कातिल वो लोग भी हैं जो लोग दर्शक बन के उस घटना को देख रहे हैं। और जब उस कातिल का मन नहीं भरा तो उसने बड़ा सा पत्थर लेकर उसके मुंह पर वार किया दोस्तों। इतनी बहरहमी से मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ के अंदर ऐसा वीडियो नहीं देखा कभी। और जो ये वीडियो मैंने देखा है, उसके बाद में मेरा दिमाग सा ख़राब हो गया कि यार ऐसे भी कोई, मतलब कैसे बंदा किसी को मार सकता है, इतनी बड़ी बहरहमी से मारा गया। रूह कांप जाएगी अगर आप वीडियो पूरा आप लाइव देखोगे तो। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है, अगर ज़िंदगी में कभी भी कोई घटना हो तो आप उसको देख के ऐसे अनदेखा ना करें, बचाने की जितनी कोशिश है वो करें। अगर आपसे नहीं होगा तो कम से कम आसपास के लोगों से बुला के वो बचा सकते थे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि आराम से देख रहे, तमाशा चल रहा था वहाँ पर। तो ये ध्यान रखें, कहीं पर भी कल के तारीख में आपकी बहन बेटी के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है ऐसी चीज़ें। अब उनका क्या, मैं ये बताता हूँ दोस्तों कि उनकी 1 साल की रिलेशनशिप बता रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सिस्टम क्या चल रहा है आज की डेट में, जो नौजवान है वो और किसी चीज़ पे ध्यान दे या न दे, लेकिन ये ब्रेकअप वाला या प्यार व्यार, ये लव स्टोरी, ये सारी सिस्टम, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और इन चीज़ों के कारण ही आज की जो जनरेशन है, हर दिन कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई उसके पागल व फलाना, ये मतलब ये सारी चीज़ें आज की जो टाइम की जनरेशन है उसको ख़राब कर रहा है दोस्तों, ये सारी सिस्टम, बस ये चक्कर है। तो मेरा बस यही कहना है,
अगर लाइफ में अगर ऐसी घटना आपने देखी है, सारे लोगों ने देखी है, अभी तो न्यूज़ चैनल पे सारी चीज़ें वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आपके लाइफ में कभी भी आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी शहर में हो, किसी भी स्टेट के अंदर हो, कहीं पे भी हो, या अपने गांव में या पास में कहीं पे भी होती दिखे, तो उस चीज़ को आप देखें, अनदेखा ना करें। मेरा तो बस यही मैसेज आप लोगों को, और बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद। ऐसा कभी भी किसी के साथ ना होने दें, और जितना हो सके देख के उनको बचाने की कोशिश करें। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में।